नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK जॉब अलर्ट में। इस चैनल पे आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है और बहुत बड़ी भर्ती निकाली है 2020 के लिए, जिसमें आपकी लैब टेक्नीशियन के लिए पोस्ट आएगी 1119 पद रहेंगे, और वहीं आपके असिस्टेंट रेडियोग्राफर के लिए 1058 पद रहेंगे। ठीक है जी, तो इस वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से। ठीक है जी, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है 12 जून 2020 का। इसमें आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या दी हुई है 2/2020। ठीक है जी, ये आपकी भर्ती रहेगी पैरामेडिकल स्वर्ग में लैब टेक्नीशियन व सहायक रेडियोग्राफर भर्ती के लिए। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट आएगी और आपको कितनी कितनी कैटेगरी वाइज में पोस्ट दी गई है, और आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। पद का नाम दे सकते हो, वही गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और कुल पद। फर्स्ट बात कर लेते हैं हम लैब टेक्नीशियन के लिए, जिसमें आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1014 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 1005 पद है। ठीक है जी, यानी कि अब टोटल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है 1119 पोस्ट। सेकंड, आपकी सहायक रेडियोग्राफर के लिए, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 969 पोस्ट हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 99 पोस्ट हैं, यानी कि टोटल पद आपके 1058। अब बात करते हैं इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इनको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ठीक है जो ऑफिशियल वेबसाइट इसमें देख सकते हो और पूरी डिटेल दी हुई आवेदन प्रक्रिया, इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल साइट इस पर जाके, रिक्रूटमेंट पर जाके पूरे संबंधित जानकारी चेक करेंगे, उसके बाद रजिस्टर करने के लिए इस पोर्टल पर जाएंगे। ठीक है जी, www.sso.rajasthan.gov.in। ठीक है, इस पर जाने के बाद में आपको रजिस्टर करना है और आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देके ओटीपी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, इसमें देख सकते हैं परीक्षा शुल्क दे रखा है, देख लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी। आप ये देख सकते हो एप्लीकेशन फ़ीस आप ऑनलाइन ई मंत्रा, ये सॉरी ई कियोस्क और सुविधा केंद्र CSC केंद्र के माध्यम से भेज सकते हैं। और ये सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग वह क्रीमी लेयर और पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 450 रुपये फीस रहेगी, और जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 350 रुपये फीस है, और समस्त जो अन्य जाति SC ST है उनके लिए 250 रुपये फीस रहेगी। ठीक है जी, और आप ये डिटेल से देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको फ़ीस के बारे में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब बात करते हैं इसमें रिक्त पद क्या क्या दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें कैटेगरी वाइज पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। जो आपकी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, ठीक है जी, गैर अनुसूचित क्षेत्र, उसके लिए आप देख सकते हो जो टोटल पद 1014। सामान्य वर्ग के लिए 260 पोस्ट हैं, सामान्य महिलाओं के लिए 75 हैं, विधवा महिलाओं के लिए 29 पोस्ट हैं, और परित्यक्ता के लिए 7 पोस्ट आएगी। वहीं आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए, सामान्य के लिए 70 हैं, सामान्य महिला के लिए 20 हैं, विधवा के लिए 8 पोस्ट हैं, परित्यक्ता के लिए 2 पोस्ट आएगी। अब बाकी अनुसूचित जाति के लिए 112 पोस्ट आएगी, सामान्य के लिए, महिलाओं के लिए 32 पोस्ट है, विधवा के लिए 13 पोस्ट आएगी और परित्यक्ता के लिए 3 पोस्ट आएगी। नेक्स्ट आपका अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य की 84 पोस्ट आएगी, वहीं महिलाओं के लिए 25 पोस्ट है, विधवा महिलाओं के लिए 9 पोस्ट है और परित्यक्ता के लिए 2 पोस्ट आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 147 पोस्ट सामान्य है, 42 पोस्ट सामान्य महिलाओं के लिए और विधवा के लिए 17 पोस्ट है, परित्यक्ता के लिए 4 पोस्ट रहेगी। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य के लिए 35 है, महिलाओं के लिए 10 पोस्ट रहेगी, विधवा के लिए 4 है और सामान्य। और नेक्स्ट आपका 12 जिले में शहरिया आदिम जाति, तो ठीक है, सामान्य 3 पोस्ट है और सामान्य महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आपको कैटेगरी वाइज महिला और पुरुषों में आपको कैटेगरीज का और वैकेंसी का पूरी डिटेल मिल सके। और आप ये देख सकते हो नेक्स्ट, इसमें दे रखा है अनुसूचित क्षेत्र के लिए, दे सकते हैं आप इसमें। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट पोस्ट रहेगी आपके सहायक रेडियोग्राफर पद के लिए। ठीक है, टोटल आप दे सकते हो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 959 पोस्ट हैं। ठीक है जी, और वहीं आप जैसे अनुसूचित क्षेत्र के लिए आपकी 99 पोस्ट आएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता के लिए। ठीक है जी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? फर्स्ट देखते हैं, लैब टेक्नीशियन पद के लिए आपकी सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपकी +2 इन साइंस से होनी चाहिए, या फिर इधर बायोलॉजी से या मैथमेटिक्स से। ठीक है, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, इसमें डिप्लोमा ज़रूरी रहेगा। और सेकेंड, रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। और ये आप दे सकते हो, इसमें आपको हिंदी में देवनागरी की नॉलेज होनी चाहिए और राजस्थान कल्चर की आपकी जानकारी इसमें होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट पद था आपका सहायक रेडियोग्राफर के लिए +2 विद साइंस बायोलॉजी मैथमेटिक्स से मांग रखा है। ठीक है, साथ में आपका डिप्लोमा मांग रखा है इसमें रेडियोग्राफर के लिए। ठीक है जी, आप देखो रेडियोग्राफी का कोर्स पास होना चाहिए आपको, और रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल एंड आपको हिंदी और देवनागरी में नॉलेज होनी चाहिए और राजस्थान कल्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। अन्य योग्यता में आप ये देख सकते हो, स्वास्थ्य के बारे में चरित्र है, राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। एज लिमिट आप दे सकते हो, आपकी एज कम से कम आपकी 18 साल रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 40 साल रहेगी। एज आपके काउंट होगी 1 जनवरी 2021 से। ठीक है जी, आप दे सकते हो, और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट भी दी होती है, तो ये देख लेते हैं आप। जबकि सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, महिलाओं के मामले 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है जी, और ये 5 साल की छूट है, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के 10 साल की छूट रहेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं। ये आपके पेंशन का दिखा है, विज्ञापन, जीवन आवेदन, शुल्क जमा करने, ऑनलाइन आवेदन पत्र की अवधि दे रखी है। ये आप दे सकते हैं, इसमें आपका स्टार्टिंग डेट रहेगी 18 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएं ऑनलाइन फिल करने, और लास्ट डेट रहेगी आपकी 2 जुलाई 2020 को रात के 12 बजे। ठीक है जी, आप इसमें चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अनुभव के आधार पर एक्सपीरियंस के आपको इसमें एडिशनल नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, आप जब फॉर्म को फिल करोगे तो इसमें ये देख सकते हो आप, पूरी डिटेल दी हुई है। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरी जानकारी दी हुई, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद में आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, और ये आप देख सकते हो फ़ोटो का साइज 50 KB से कम का होना चाहिए। ठीक है जी, और याद है JPG फॉर्म में और आपकी फ़ोटो हस्ताक्षर दे रखी है कि साइन आपके आवेदन ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया कर दिया, यानी कि अगर आपने फॉर्म को गलत फिल कर दिया है तो आप उसमें आप 7 दिन के अंदर अंदर फॉर्म को ठीक करवा सकते हो, जिसकी आपके फ़ीस 300 रुपये देनी होगी। या फिर आप देख सकते हो, आप नया फॉर्म भरना चाहो या फिर आप गलती मत करना जो कि आपको फिर से फॉर्म को अप्लाई करना पड़े, आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, या आप प्रमाण पत्र दे सकते हो, आपके पास पूरे प्रमाण पत्र होने चाहिए PDF फॉर्म में, जिससे कि आप अपलोड करते समय आपको परेशानी ना हो। ठीक है जी, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है जहाँ से आपको आवेदन करना है, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी उपलब्ध है। ठीक है जी, तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें, और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।